ये चंदना जी का चेहरा आप कभी नहीं भूल पाओगी, आप ये युवा चेहरे कभी नहीं भूल पाओगी। चंदना जी यहां सल्तोरा सीट से सिर्फ भाजपा उम्मीदवार पर नहीं है, बल्कि चंदना जी पश्चिम बंगाल के आकांक्षा का प्रतीक है, पश्चिम बंगाल के विकास का प्रतीक है। ये उन बहनों का चेहरा जिनको आपने न से वंचित रखा है, जल से वंचित रखा है। ये उन श्रमिकों का चेहरा है जिनको तृणमूल के टोलाबाजों ने परेशान किया है। ये उन गरीबों का चेहरा है जिनके चावल, जिनके पक्के घर, जिनके हक पर तृणमूल के टोलाबाजों ने डाका डाला है। अब ऐसे ही चेहरे पश्चिम बंगाल की बहनों को, श्रमिकों को, गरीबों को न्याय देंगे, उनको उनका हक देंगे। यह अशोक परिवर्तन को, यह अशोक परिवर्तन के चेहरे है, ये सोनार बांग्ला के निर्माण के शिल्पी है। साथियों, मेरा आप सभी साथियों से आग्रह है कि इन उम्मीदवारों को भारी समर्थन देकर विधानसभा भेजे ताकि उनका उत्साह बढ़े, आपकी सेवा के लिए वो दिन रात जुटे रहे। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में अनुभवी उम्मीदवार भी दिए हैं और नए उम्मीदवारों को भी अवसर दिया है। युवा ऊर्जा और अनुभव मिलकर सोनार बांग्ला की तरफ आगे बढ़ेंगे, डबल इंजन की सरकार बनाएंगे। मैं इस बार बंगाल के चुनाव में पहली बार वोट डालने जा रहे फर्स्ट टाइम वोटर से अपने नौजवान साथियों से भी कहूंगा कि सोनार बंगला के सपने को सच करने के लिए भारी मात्रा में वोट डालिए, हर नौजवान को घर से निकालिए। आपसे पहले की पीढ़ियों का बहुत कीमती समय लेफ्ट, कांग्रेस और टीएमसी ने गवा दिया है। तीन तीन चार चार पीढ़ी बर्बाद कर चुके हैं लोग। नौजवानों, आपको बर्बाद मुझे नहीं होने देना, आपके भविष्य को बर्बाद नहीं होने देना। इन तीनों पार्टियों की दुर्नीतियों की वजह से बंगाल के लाखों प्रतिभाशाली लोगों को पलायन करना पड़ा है। इन तीनों पार्टियों की दुर्नीतियों की वजह से बंगाल उतनी तेजी से विकास नहीं कर सका जितना करना चाहिए था। और मेरे नौजवान साथियों, आपको ये भी याद रखना है कि आप उस समय पहली बार वोट करने जा रहे हैं जब देश अपनी आजादी के 75 वर्ष का पर्व अमृत महोत्सव मना रहा है। अब से लेकर अगले 25 साल जब देश अपनी आजादी के 100 वर्ष मनाएगा, आपके लिए 25 वर्ष बहुत अहम है, आपकी जिंदगी के स्वर्णिम समय है ये। बंगाल में आपको भ्रष्टाचार मुक्त व्यवस्थाएं मिले, इसके लिए बीजेपी से की सरकार बंगाल में लाना बहुत जरूरी है। बंगाल में विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के लिए बंगाल में बीजेपी सरकार जरूरी है। आपके कॉलेज, यूनिवर्सिटी की आधुनिकता बढ़ाने के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी है। साथियों, बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनते ही यहां नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया जाएगा ताकि स्थानीय भाषा में डॉक्टरी, इंजीनियरिंग की पढ़ाई सुनिश्चित हो सके। डबल इंजन की सरकार बनते ही पश्चिम बंगाल के हर गांव में तेज इंटरनेट कनेक्शन देने वाला
फाइबर ऑप्टिकल बिछाने का काम को गति दी जाएगी। डबल इंजन की सरकार में जल जीवन मिशन को, हर घर जल की योजना को पूरी तेजी से यहां लागू किया जाएगा। बहुत ही कम समय में पश्चिम बंगाल में 1.5 करोड़ से ज्यादा परिवारों को शुद्ध जल की सुविधा से जोड़ा जाएगा। बीजेपी की डबल इंजन की सरकार बनते ही यहां आयुष्मान भारत योजना लागू की जाएगी। इसके तहत पूरे देश के अस्पतालों में मुफ्त इलाज तो मिलेगा ही, गांव गांव में आधुनिक हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर बनाने का काम भी तेजी से किया जाएगा। भाइयों और बहनों, विष्णुपुर विश्वविख्यात टेराकोटा मंदिर की धरती है। ये परंपराओं और विरासत की धरती है। बांकुड़ा में एक और सदियों पुराना आर्किटेक्चर है तो दूसरी तरफ प्रकृति की विरासत भी है। यहां प्राकृतिक और हेरिटेज टूरिज्म के लिए अनेक संभावनाएं हैं। केंद्र सरकार की पर्यटन बढ़ाने वाली योजनाएं यहां बड़ा परिवर्तन ला सकती है। यहां के कारीगरों के हाथ में जादू है। विष्णुपुर की सिल्क साड़ी, बालू छुड़ी, पीतल का आठ वर्ग, डोगरा आर्ट, टोलटेरा कोटा कारीगरों की कला यहां आत्मनिर्भर भारत में जुड़ी हर वो चीज है जो आपको मजबूती से आगे बढ़ा सकती है। समय उन नीतियों निर्णयों को बदल लेता है। जितने यहां के लघु उद्योगों को, कुटीर उद्योगों को, डेयरी उद्योगों को, बुनकरों को, मछली पालन से जुड़े व्यवसाय को बर्बाद करके रख दिया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत यहां की लोकल प्रतिभा को हमें आगे भी बढ़ाना है और इस लोकल के प्रति पूरे देश में लोगों को वोकल भी करना है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार देश भर में टॉय क्लस्टर बनाने पर विशेष बल दे रही है। यहां के टेराकोटा टॉयज देश और दुनिया में धूम मचा सकते हैं। डबल इंजन की सरकार इसको प्रोत्साहित करेगी। यहां बैंबू से जुड़ा व्यवसाय भी बहुत होता है। ये हमारी सरकार है जिसने बैंबू उगाने वाले किसानों और बैंबू का कारोबार करने वाले ट्रेडर्स की परेशानियों को समझा। हमारे देश में दशकों से एक कानून था जिसमें बैंबू को वृक्ष की कैटेगरी में, ट्री की कैटेगरी में डाला हुआ। इस वजह से निजी जमीन या खेत में उगाए गए बैंबू को काटने, उसके ट्रांसपोर्टेशन में बहुत दिक्कत आती थी। हमारी सरकार ने ये कानून बदला और अब इसका फायदा किसानों को, आदिवासियों को, उद्यमियों को हो रहा है। भाई और बहनों, आपको डबल इंजन की सरकार के रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर करके चलना है। बीजेपी स्कीम पर चलती है, बीजेपी स्कीम पर चलती है और टीएमसी स्कैम पर चलती है। स्कीम किसी भी सरकार की हो, किसी भी लागू की हो, लेकिन टीएमसी स्कैम के लिए कोई ना कोई तरीका निकाल लेती है। टीएमसी का मंत्र है जहां स्कीम वहां स्कैम, जहां स्कीम वहां स्कैम। जिन योजनाओं की डिलीवरी राज्य सरकार के माध्यम से होनी थी उनको उन्होंने अपने स्कैम के रंग में रंग दिया। आयुष्मान भारत, पीएम किसान सम्मान निधि, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से जुड़ी योजनाओं में स्कैम नहीं कर सकते थे, इसलिए इनको लागू करने से इनकार कर दिया। 8 चरणों में 1-1 करके बंगाल के लोग
टीएमसी के हर स्कैम का हिसाब करेंगे। और मैं आज बंगाल की धरती पर फिर से दोहराना चाहता हूं, प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत देश भर के किसानों के खाते में अब तक करीब करीब 14,000 रुपया हर एक किसान के खाते में जमा हो चुका है। बंगाल का किसान वंचित रह गया है। हमारी डबल इंजन वाली सरकार आते ही यहां के हर किसान के खाते में वो पैसा पहुंचा दिया जाएगा, हर किसान के खाते में पहुंचा दिया जाएगा। और आगे भी योजना आपके लिए चालू रहेगी। और भाइयों बहनों, जैसा मैंने कहा, टीएमसी का एक ही काम, जिसमें स्कैन करने का मौका नहीं है उस स्कीम को हाथ ही नहीं लगाना, स्कैन करने के लिए मौका मिले तभी स्कीम को लेना। और ये बात टीएमसी को भी अच्छी तरह पता चल गई है। इसलिए दीदी और उनके दल के लोगों ने बहाने तलाशने शुरू कर दिए हैं। अभी दीदी क्या कह रही है? अभी दीदी कह रही है, अभी दीदी अभी से ईवीएम पर सवाल खड़े करने लगी है। 10 साल जिस ईवीएम ने उन्हें सत्ता सौंपी, वही ईवीएम अब उन्हें रास नहीं आ रहा है। साफ है दीदी, दीदी आपको पराजय दिन में भी दिखता है, पराजय रात में भी दिखता है। मेरा बंगाल के लोगों को बिना डरे बिना हिचके वोट देने के अपने अधिकार का प्रयोग करना है। कमल को दिया आपका हर एक वोट, दीदी को उनके लिए की सजा दी हो जाएगी, उनके पापों की सजा हो जाएगी। इसलिए इस बार जोर से छाप, कमल छाप, जोर से छाप, जोर से छाप, जोर से छाप। बंधुगण, आचुन हमारा संकल्प करे ए बार दिए आशोल परिवर्तन, आशोल परिवर्तन। ए बार गर्व सुनार बांगला, ए बार बीजेपी, ए बार आश्चर्य बीजेपी, ए बार बीजेपी, ए बार निश्चय आश्चर्य बीजेपी। इसी संकल्प के साथ आप सभी का बहुत बहुत आभार। मेरे साथ पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे 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 वंदे।